नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आगामी 2 जनवरी को सिगरौली के बैढ़न में सामुदायिक भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम का नाम है एक शाम ऊर्जा धानी के नाम नए साल में आवा हंसा जाए। इस कार्यक्रम के बारे में बघेल खंड के उभरते हुए सितारे अविनाश तिवारी ने चैनल से बात करते हुए बताया कि बघेली भाषा को देश के साथ साथ दुनिया भर में प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसके पूर्व भी रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में बघेली बौछार आवा हंसा जाए के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और बघेली के विस्तार के इसी क्रम में अब सिगरौली में आगामी 2 जनवरी को यह कार्यक्रम होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन सिगरौली और मध्य प्रदेश के उभरते हुए गायक और भोजपुरी फेम सुधीर पांडे के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आयोजन की मुख्य भूमिका में बिग गंगा चैनल पर प्रसारित होने वाले बिग मैम साहब के सीजन 3 की विजेता नेहा सिंह प्रमुख आयोजनकर्ता के रूप में है। वहीं इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में राजू जायसवाल, अभय सिंह जैसे समाज सेवी मुख्य तौर पर संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं अगर बात करें कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों की, तो इस कार्यक्रम बघेल खंड के उभरते हुए सितारे अविनाश तिवारी, अभिनेत्री शैलू शर्मा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के गायक और अभिनेता राहुल दुबे, बिंद के फिल्म प्रोड्यूसर रिया लवलेस और बघेली प्रमोटर श्रीवेंद्र त्रिपाठी के साथ ही कई वरिष्ठ कलाकार और साहित्यकार मौजूद रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। शहर में जाए जाए अपने बघेली के नाम पर हम कार्यक्रम करीला है। हर शहर में जाए जाए केवल हम बघेली खातिर काम कर रहे हैं। इसकी हमारे यह उद्देश्य है कि अपने बघेली बोली में हर एक कार्यक्रम हो। एक कार्यक्रम की यह उद्देश्य है कि मतलब नए साल में लोगन का हंसावे कहे और गुदगुदावे कहे और वो क्षेत्र में जी क्यों अच्छा काम करे हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे फिर हर वो व्यक्ति जी अच्छा काम करे हो अपने फील्ड में, उनका सम्मानित कीजिए। अभी रीवा में भी पिछले हफ्ते आपने एक कार्यक्रम किया था वहाँ सावा जाए, उसका क्या रिस्पांस मिला पब्लिक की ओर से आपको? पब्लिक से अच्छा प्यार मिला, उनसे हमका अच्छा रिस्पांस मिला और वह ताकत रही जोने में हम दोबारा फिर से सिगरौली में हम करे जाइला है। बघेली के लिए आपने काफ़ी प्रयास किया है बघेली भाषा को जनता के सामने और पब्लिक के सामने लाने के लिए, आगे की क्या कार्य योजना है, कैसे आप बघेली भाषा को प्रमोट करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर? हमारे यह उद्देश्य है कि जो हमारी बोली है, इसकी बोली के दर्जा माँ के रूप में दिन जाते हैं। इसकी ओका मातृभाषा कहा था माँ मातृभाषाओं का जे का हम अपने महतारी के मुँह से सीखी थे। तो जो हमारी बोली है बघेली बहुत प्रिय गुरुतुल है। हम हमेशा हर जगह है कहे थे कि गुरुतुल बघेली का चीखा बह खातिर आयन, गुरुतुल बघेली का चीखा बह खातिर आयन, चीखा बह खातिर आयन, अरे सीधी वाले ममता बढ़ा बह खातिर आयन, अरे बिंधे के भुइया चिन्हाबे खातिर आयन, बिंधे के भुइया चिन्हाबे खातिर आयन, चिन्हाबे खातिर आयन, रीवा वाले ममता लुटाबे खातिर आयन। हमारे उद्देश्य के जुन हमरे बघेली माँ फिल्म हमका बनाबे के है। इसकी फिल्में ही भाषा के कदम को आगे बढ़ाती हैं। आज अगर अपना देखब तो अगर भोजपुरी का अपना जानी लहे, छत्तीसगढ़ का अपना जानी लहे, तमिल का जानी लहे, साउथ का जानी लहे, ऐसे के ऊपर अपना फिल्म देखें, क्योंकि फिल्में ही भाषा के कदम को आगे बढ़ाती हैं। तो हमका यह अपने बघेली में फिल्म बनावे के है और लोगन के घर घर तक वह फिल्म पहुँचावे के है। चलिए, धन्यवाद है अपना वचन के सब जन के, जितने भी हमारे मित्र लोग देखा ला, जितने भी हमारा मीडिया मित्र हैं, उनका सबका दिल से धन्यवाद है कि बघेली खातिर जो सपोर्ट कह रहे हैं माँ। और एक दर के हम सबका न्यौता दे इतला है कि अपना बच्चे हमारे कार्यक्रम जो एक शाम ऊर्जा धानी के नाम सिंगरौली में कार्यक्रम है, अपना बच्चे 2 जनवरी का सपरिवार सादर आमंत्रित हन। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।